हेलो डियर, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप? एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके पहले आपने देखा होगा, तीन लेक्चर हम आपको दे चुके हैं जो कि स्टैटिक्स का, स्थिति विज्ञान का इम्पोर्टेंट लेसन है। वो इक्विलिब्रियम, बलों का संतुलन, आपने उसको देख भी लिया होगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गति विज्ञान, डायनामिक्स का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन प्रोजेक्टाइल। दोनों मिलाकर के, स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों मिलाकर के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आता है। 10 से 12 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन का तो अकेले यही है गति विज्ञान, डायनामिक्स ही है। 3-4 क्वेश्चन तो मान के चलिए इसी से ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना? कम से कम 3 क्वेश्चन तो मान के चलिए लगभग मिल ही जाते हैं घूम फिर करके। जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है, सिंपल भी है, ठीक है ना? तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो पहली बात तो डायनामिक्स, जिस तरीके से स्टैटिक्स में आपने पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर है इसका गति विज्ञान का, डायनामिक्स का, वो भी प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप का लेक्चर 1। तो हम इसमें पिंडों की गति का अध्ययन करते हैं, पिंडों की गति का अध्ययन करते हैं कि आखिरकार पिंड किस तरीके से गति कर रहा होगा। तो जब गति की बात आ जाती है तो गति के नियम भी आ जाएंगे इसमें, गति के नियम भी आ जाएंगे, गति के नियमों के अनुप्रयोग भी आ जाएंगे, सभी चीजें इसी में आ जाएंगी। तो अगर गति की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास फिर यहाँ पर 3 कंडीशन होंगी कि कोई भी पिंड अगर गति करता है तो किस डायरेक्शन में कर सकता है। या तो वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, या तो फिर वो हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल मूव करेगा, ठीक है ना, डाउनवर्ड में, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर आप पिंड को किसी एक डायरेक्शन पे आपने थ्रो किया होगा, हॉरिजॉन्टल से किसी डायरेक्शन पर आपने थ्रो किया होगा, और डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से आपने इसको थ्रो किया, किसी एंगल पर थ्रो किया। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब हुआ कि रैखिक गति, रैखिक गति ये होगा। ये वर्टिकल मोशन है, चाहे डाउनवर्ड में हो चाहे अपवर्ड में, यानी इसको कहेंगे वर्टिकल मोशन। ऊर्ध्वाधर, गति ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। तीसरा जो है ये प्रोजेक्टाइल होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। तो हमारे पास 3 तरीके की गति है, या तो पिंड सीधी रेखा में चल रहा होगा, या तो पिंड जो है ऊपर की ओर जा रहा होगा, या तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होगा, या फिर किसी एंगल पर आपने फेंका होगा, यानी आपने स्टोन को, किसी भी पत्थर को, किसी भी पिंड को आपने ऐसे सीधे फेंक दिया। सपोज करिए कि बॉल पड़ी हुई है फर्श पर और आपने उसको ठोकर मारी और सीधे ही लुढ़क करके तेजी से जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। आपने उसी बॉल को जो है ऊपर की ओर सीधे फेंक दिया, फिर ऊपर से नीचे भी आएगी, तो वर्टिकल मोशन हो गया, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। या फिर आपने उसी बॉल को आपने ऐसे फेंक दिया, तो जब आप ऐसे फेंक रहे हैं तो जो है ये क्षैतिज दिशा से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर हम डायनामिक्स में गति के सभी अनुप्रयोगों को पढ़ रहे हैं, गति विज्ञान है, पिंड के गति के नियमों को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि कोई पिंड कितने तरीके से गति कर सकता है, तो वो 3 है। इनमें से फर्स्ट नंबर पर ये रहा हॉरिजॉन्टल मोशन, सेकंड पर वर्टिकल मोशन, और थर्ड पर आ जा रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इन तीनों को लेकर के ही हम चलते हैं साथ में, क्योंकि तीनों का यूज होता रहेगा। तो नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं अब हम इसमें, पहले नंबर पर, सबसे पहले न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको, न्यूटन के गति के नियम। अब
चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लगभग एक ही जैसी है इसमें, न्यूटन के गति के नियम। अब इसमें डियर ये है कि सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या होगा, क्षैतिज दिशा में क्या होगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल मोशन, क्षैतिज गति जिसको हम कहेंगे क्षैतिज गति। तो क्षैतिज गति में हमारे पास क्या होगा, तीन नियम होंगे। नंबर वन, b इक्वल टू u प्लस एफ टी, एफ क्या है टी क्या है बताता हूं अभी। फिर ये हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टू एफ इंटू एस। ये तीन हमारे पास नियम है, न्यूटन के गति के नियम, तीन नहीं बल्कि एक चार है, वो भी लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये हो गया, ये तीन नियम तो मेन है, एक और होगा इसमें से, उसको भी लिखता हूं मैं यहां पर। फोर्थ नंबर, डिस्टेंस कवर्ड इन टीथ सेकेंड, मतलब ये कि टीवें सेकेंड में चली दूरी, ठीक है ना, टीवें सेकेंड में चली दूरी। अब टीवें सेकेंड कोई भी हो सकता है, वन टू थ्री जो भी पूछ ले उसमें, चली दूरी। तो ये होगा s इक्वल टू यू प्लस हाफ, ठीक है ना, और यहां पर होगा f 2t माइनस वन, 2t माइनस वन, ये आ जाएगा इसमें से। अब इसमें से t क्या है, u क्या है, b क्या है, f क्या है, s क्या है, ये सभी मैं एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं, लेकिन इस पेज में नहीं बनेगा तो दूसरे पेज में आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा लिखना नहीं जैसे आराम से समझ मिल जाए आपको। ये तीन ये हैं पूरे न्यूटन के नियम गति के, और ये चौथा ये भी है जब टीवें सेकंड में चली दूरी की बात करेंगे। अब इसमें से कितनी चीजें आपको मिल रही हैं, पहले तो सबसे पहले यू पर आ जाइए। यू का मतलब है इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग जिसको हम कहेंगे प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। बी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम कहेंगे अंतिम वेग। एस क्या है, एस एस का मतलब है डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी। टी क्या है, टाइम समय। इसके बाद एफ क्या है, एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण, त्वरण, ठीक है ना। ये सभी हैं जो वहां पर यूज हो रहे हैं, यानी जो सिंबल्स हैं हमारे इस सभी न्यूटन्स के लाप मोशन के हॉरिजॉन्टल में, वो इस सब ये हैं, पूरे फार्मूले भी याद रखना है आपको। तो जब आपको यू और बी में से पता हो आपको, और टी निकालना हो, यू निकालना हो बी, अगर ये यू बी टी लिखा है तो फिर इसी का यूज करेंगे, अगर एस से रिलेशन आ जाता है तो इसका यूज करेंगे, और अगर टी का यूज ना हो केवल यू बी और एस की जरूरत पड़े तो फिर थर्ड वाले का यूज करेंगे, न्यूटन के थर्ड नियम से, सेकंड नियम से, फर्स्ट नियम से, जैसी जरूरत होगी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जरा दूसरे में, अगले नंबर पर, सेकंड नंबर पर आते हैं। सेकंड नंबर क्या है, वर्टिकल मोशन,
वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन का मतलब है कि इसको हम फिर क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर वेग। ऊर्ध्वाधर वेग, ठीक है ना। अब इसमें न्यूटन के नियम क्या होंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये तब होगा जब पिंड नीचे की ओर आ रहा होगा। इसी में b इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा जब पिंड ऊपर की ओर जा रहा होगा। दूसरा नंबर h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, f की जगह पर g हो जाएगा। क्या पुट करना है आपको, f इक्वल टू जी एंड s इक्वल टू एच। जहां डिस्टेंस है उस जगह आपको h रखना है, ठीक है। और g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी। ये हो गया, तो ये प्लस है तो नीचे की ओर। अगर इसी में हम माइनस कर दें 1/2 जी टी स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये फिर ऊपर की ओर जा रहा है। थर्ड नंबर में सेम केस, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये है जब नीचे की ओर जा रहा होगा, और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये जब ऊपर की ओर जा रहा होगा। ये कंडीशन है इसमें से। तो ये तो हो गया डियर किसके लिए, अब इसके बाद अगला नंबर आ जाएगा प्रोजेक्टाइल के लिए। तो अगर तो ऊपर के लिए फेंका जाए, नीचे की ओर फेंका जाए, इसमें कंडीशन क्या होती है फिर। और जैसे अब इनिशियल वेलोसिटी यानी कि रैखिक गति के लिए आते हैं, क्वेश्चन से यूज करके बताते हैं आपको। इफ इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस s इक्वल टू 4t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3, देन वेलोसिटी, वेग क्या होगा, वेग होगा v इक्वल टू ds dt। ds dt यानी अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वही करा रहा हूं जो 100% एग्जाम में आने वाला है। ऐसा जो है मिलेगा आपको क्वेश्चन, s के फॉर्म में लिखा होगा, t के टर्म में लिखा होगा, यानी s t का फंक्शन होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा इक्वेशन, वो जब वो होगा तो वेलोसिटी निकालने के लिए, वेग निकालने के लिए आप डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3×4 = 12 टी स्क्वायर प्लस 4t, ये आ जाएगा। इसके बाद फिर आपसे तुरंत पूछेगा, अगर पूछ ले, ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर, सपोज करिए कि इसमें से ये पूछ ले कि एट टी इक्वल टू 2, क्वेश्चन में पूछ ले कि 2 सेकंड में कितना बेग उसको मिल जाएगा। तो 2 सेकंड में जब बेग निकालेंगे आप, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे आप, 12 2 स्क्वायर प्लस 4×2, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक। तो b इक्वल टू हो जाएगा ये 12 2 4 12 4 48 हो गया, और 4 2 8 हो गया, तो 48 8 कितना हो गया, 56 मीटर पर सेकंड जो भी होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी में से एक्सीलरेशन पूछ लिया जाएगा आपसे। जब एक्सीलरेशन पूछा जाएगा, त्वरण जब पूछा जाएगा, तो त्वरण होगा f, f का मतलब होगा db dt, अदरवाइज डी स्क्वायर एस यानी d2s dt स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव इसका। तो ये आ जाएगा कितना, 12×24 t प्लस 4, ये हो जाएगा। अब अगर त्वरण को भी पूछ ले कि कितना त्वरण हो गया होगा 2 सेकंड पर एट टी इक्वल टू 2, ठीक है ना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट
टी इक्वल टू टू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जब यहां रखेंगे आप तो 24 इंटू टू प्लस 4, तो 12 24 दुनिया 48 हो गया, 48 चार 52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज होगी। अब इसके बाद आ जाते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन इस तरीके का बनता है कि जिसमें से डिस्टेंस दी होगी और किसी टाइम पर आपसे वेग पूछ रहा होगा या फिर त्वरण पूछ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से फिर ये आता है कि अगर दूसरा नंबर सपोज करिए कि पिंड को आपने ऊपर की ओर फेंका, अब ऊपर की ओर जब फेंक रहे हैं आप तो यू यानी यू वेग से आपने ऊपर की ओर फेंक दिया, फाइनल ऊपर पहुंचते पहुंचते बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाइट एच है ये, ठीक है ना, वेलोसिटी ये जीरो हो गई और ये बन गया डियर कितना, बी इक्वल टू जीरो हो गया। अगर इसी तरीके से हम नीचे की ओर ले जा रहे हैं तो यहां यू इक्वल टू जीरो से आप फेंकेंगे इसको, हाइट तो एच ही रहेगी वो। अब यहां कोई ना कोई वेग होगा जिससे ये टकराएगा, कोई ना कोई वेग होगा जिससे ये टकराएगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि जब आप पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर की ओर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जब ऊपर से आप नीचे छोड़ देंगे फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देंगे आप तो फिर प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये दोनों बातें, बाकी टाइम तो नीचे से ऊपर तक जाने में लगेगा ही लगेगा। एक बात और है इसमें से, वो ये कि जब पिंड को आपने ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर गया इतनी दूर तक, फिर यहीं से रिवर्स होकर के नीचे आया, ये नीचे आ गया, तो अगर इसको जाने में 30 सेकंड लगा है, ठीक है ना, जाने में अगर 30 सेकंड लगा है तो फिर वापस आने में भी 30 सेकंड ही लगेगा, यानी कुल मिलाकर के ये 20 सेकंड तक हवा में ही रहा वो। ये तीनों चीजें ये याद रखना है, बाकी ये भी ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो माइनस जी वर्क करेगा, जब नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो प्लस जी वर्क करेगा। ये आपको दोनों बातें ध्यान रखना है, यानी जिसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में आगे वो हमने यहाँ पर आपको डिटेल बताया, ठीक। अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल में। इसमें इतना जानना था इसमें से, यानी वही न्यूटन्स के रूल लगेंगे जो हम लिखा चुके हैं आपको, उसी पर आगे हमें बढ़ना है, ठीक है ना डियर। अब आ जाते हैं आगे जरा, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है इसलिए कि जिससे लिखना ना पड़े हमें, और आप देख ले बढ़िया। ठीक है, इसमें है प्रोजेक्टाइल, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप पथ का, तो इंग्लिश में लिखा है तो उसको इंग्लिश में लिखा रहने दीजिए, मैं आपको पूरी चीजें सब हिंदी में समझाता हूं आपको, ठीक है ना, पूरी चीजें हिंदी में। अगर हॉरिजॉन्टल पथ ये है, अब हमने पिंड को फेंक दिया, अब हमने पिंड को जो है फेंका, एक पत्थर को एक बॉल को ऐसे फेंका हमने और यहां पर आकर के गिरा ये, ठीक है ना, यहां पर गिरा, ओ बिंदु से फेंका हमने और ए पर गिरा, तो जिस वेलोसिटी से हमने फेंका होगा वो ऐसी जा रही होगी, लेकिन इसमें दो दिशाएं चल रही हैं। एक तो चल रही है कैसी, जब आपने पिंड को फेंका तो आप एक चीज तो जान ही रहे हैं कि जैसे आपने बॉल को फेंका ऐसे, तो बॉल ऐसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है, फिर आगे गिरेगी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बढ़ रही है और वर्टिकल भी बढ़ रही है। कुछ समय के बाद हॉरिजॉन्टल बढ़ती रहती है, वर्टिकल घटने लगती है, तो नीचे आ जाता है, यानी दोनों ही रहती हैं, चाहे कोई घटे चाहे कोई बढ़े, लेकिन हॉरिजॉन्टल बढ़ती ही जाएगी और वर्टिकल पहले बढ़ेगी फिर घट जाएगी। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन इन एयर नॉट वर्टिकली, ऊपर की ओर नहीं, बट मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, जो मैं समझा चुका हूं आपको पहले ही सब चीजें, ठीक है ना, तो इससे जो पथ बनता है उसको कहा जाता है प्रोजेक्टाइल और उस पथ को कहा जाता है ट्राजेक्टरी, ठीक है ना, पैराबोला ही बनाता है ये,
ये पैराबोला ही बना रहा है, आपको दिख भी रहा है, ये पैराबोला ही बना रहा है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है प्रोजेक्टाइल, ठीक। द बॉडी सो प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। बॉल को आप फेंक रहे हैं तो बॉल को कहा जाएगा प्रोजेक्टाइल। जो उससे पथ डिस्क्राइब्ड होगा वो पैराबोला बनता है, लेकिन उसको कहा जाएगा प्रक्षेप पथ, प्रोजेक्टाइल पथ, या फिर ट्राजेक्टरी या प्रोजेक्टाइल, ये कहा जाएगा इसमें से। तो यहां पर आगे डिटेल से मैं पूरा समझाता हूं इसको, पहले डेफिनेशन आपको यहां क्लियर करा देता हूं। यहां पर भी डायग्राम भी बना है। अब कह रहा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये सभी चीजें यहां पर, ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी यू वेग से फेंका गया है, ये प्रोजेक्शन ऑफ एंगल, तीन चीजें, ठीक है ना, प्रोजेक्शन पॉइंट, प्रोजेक्शन एंगल, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, वो तीनों चीजें यहां पर दी है और ये डायग्राम है इसका। मैं इसके लिए पूरा डिटेल से डायग्राम बना के देता हूं, लेकिन यहां पर मैंने वो लिख दिया था कई चीजें। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो अभी अभी आपने पढ़ा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो अभी अभी आपने पढ़ा, ठीक है ना। अब यहां से नंबर है रेंज क्या है, ठीक है ना, रेंज, रेंज के बाद फिर यहाँ पथ, ये सब चीजें हैं। तो अब इसके पहले मैं आ जाता हूं यहां पर, यहां से शुरुआत करता हूं, एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के, उसको देखिए आप। ये है, यहां से आपने जो है फेंक दिया, आपने एक बॉल को, एक पिंड को फेंका और वो ऐसे आकर के गिर गया। जब ऐसे गिरा तो आपने फेंका किस पर था, आपने इस पथ को, इस पिंड को आपने इस दिशा में फेंक दिया था, इस दिशा में गिर गया था, ये फेंका था, गिर नहीं गया था, फेंका था आपने। ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पथ, आपने यू वेग से इसको फेंका है और क्षैतिज से अल्फा एंगल बनाते हुए आपने फेंक दिया। अब ये ऐसे जा रहा है, यहां फिर आया, फिर यहां गया, ऐसे चलता जा रहा है, इसमें ये किसी न किसी समय पर आ जा रहा है हाइट डिस्टेंस, मतलब लॉन्गेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस ये होगी इसकी, यहां पर आ गया ये। यहां से जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो पहुंच रही है उसकी, ये ए तक है, ये यहां पर पहुंचा, ये मैक्सिमम हाइट है मान के चलिए पी पर। तो जैसे ये पी पर पहुंचता है तो हॉरिजॉन्टल मूव करने लगता है। आप ये जानते भी हैं कि जब कोई भी पिंड आप फेंकेंगे तो कुछ समय के बाद पहले ऊपर की ओर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, फिर इसके बाद बराबर हो जाएगा, फिर नीचे गिरना शुरू होगा। तो इस पॉइंट पर जो है इसका मोशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है ना डियर। इस पॉइंट पर इसका इसका मोशन, इस जगह इसकी जो गति है वो क्षैतिज दिशा में हो जाएगी, क्षैतिज दिशा में हो जाएगी। तो अब पूरी बात समझिए एक बार, ये पॉइंट को मैं एम मान लेता हूं, यहां से लेकर के यहां तक जो गया है ये क्षैतिज डिस्टेंस जितनी कवर हुई है, इसको आप एक्स भी कह सकते हैं, कैपिटल आर भी कह सकते हैं, और मेन मतलब है इसका कि क्षैतिज परास, मेन मतलब है इसका कि क्षैतिज परास, ये क्या होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ये कहेंगे इसको। ये रेड वाली लाइन जितनी दिख रही है आपको, ये वाली, ये यहां से यहां तक हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट ही कहेंगे इसको, मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, महत्तम ऊंचाई, क्या कहेंगे इसको, महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई कहेंगे इसको, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एच से, ठीक है ना, कैपिटल स्मॉल किसी से भी। अब ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, एंगल अल्फा बनाया गया, तो आपको तो पता है ना कि जब किसी भी एक बेग का या बल का, बेग भी एक बल ही है, वो फोर्स ही है, वेक्टर ही है, उसका जब क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग निकालेंगे तो इस दिशा में जो इसका हॉरिजॉन्टल बेग होगा, वेलोसिटी होगी, क्षैतिज दिशा में बेग, वो होगा u cos अल्फा, ये हो जाएगा क्योंकि अल्फा बना रहा है, तो ये बेग u है और इस दिशा में ला रहे हैं, यानी कर्ण को आधार में ला रहे हैं, तो cos अल्फा ही लगता है। अब इसके बाद यहां पर, इसके बाद ये
ये रहा वर्टिकल मोशन में, ये क्षैतिज की बजाय इस दिशा में वेग, तो इस दिशा में वेग, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाता है। 90 माइनस अल्फा होने की वजह से इस दिशा में वेग होगा u साइन अल्फा। तो पहली बात तो दो बातें आपको बहुत बढ़िया से तैयार रखनी है, एक एक चीज आप समझ लीजिए। हमने तीन बात बताई कि या तो कोई भी पिंड क्षैतिज दिशा में गति कर रहा होगा, या फिर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रहा होगा नीचे की ओर, या फिर क्षैतिज से किसी एंगल अल्फा पर फेंका गया होगा, उसी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल जिसको आपने फेंका वो प्रोजेक्टाइल है, जो ये पथ बना दिया, यहां से यहां तक पथ बनाया, ये सब जो बना रहा ये पथ, इसको कहेंगे ट्रैजेक्टरी या फिर प्रोजेक्टाइल पथ, ये कहेंगे। जिस बिंदु से फेंका गया है उसको कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, या प्रोजेक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं। जिस वेग से फेंका गया है अल्फा एंगल बनाते हुए, ऐसा फेंका गया है लेकिन ये मुड़ेगा तो है भाई, आपने एंगल अल्फा पर फेंका है तो उसी अल्फा पे तो नहीं चला जाएगा, कोई तीर तो है नहीं यार ना, गोली भी होती है तो कुछ देर तो जाती है सीधे, फिर मुड़ना शुरू हो जाती है। तो जिस वेग से आपने फेंका उस वेग से कुछ दूर तो गया ये, इसके बाद फिर मुड़ना शुरू हो जाता है। वही कंडीशन है कि जैसे आपने फायर किया, तो अगर फायर आप कर रहे हैं तो पहले तो सीधे जाएगी उस वेग से, अब इसके बाद वो टर्न हो जाएगी, मुड़ना शुरू हो जाएगी, ठीक। तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन वेलोसिटी या फिर प्रक्षेप वेग। ये क्या है, ये है प्रक्षेप बिंदु। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं पूरा, इंग्लिश में तो लिखा ही है प्रक्षेप बिंदु, इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है इसीलिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, ठीक। प्रक्षेप बिंदु इसको हम कहेंगे प्रक्षेप कोण, प्रक्षेप वेग, प्रक्षेप वेग कहेंगे इसको हम कहेंगे प्रक्षेप कोण, ठीक है ना। ये तीनों चीजें हमने बता दिया। अब ये है क्षैतिज वेग, ये है ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर वेग, ठीक है ना। कंपोनेंट क्या है इसका, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ यू, ठीक। ये है क्षैतिज वेग, कंपोनेंट ऑफ यू, ये भी है, अगर ये u cos अल्फा है तो ये भी u cos अल्फा ही रहेगा, ठीक है ना, u cos अल्फा ये भी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्षैतिज वेग u cos अल्फा होता है और वर्टिकल होता है u sin अल्फा, लेकिन अगर कोई पिंड नीचे की ओर जब लेंगे हम तो u sin अल्फा में माइनस का लेना पड़ेगा। ये महत्तम ऊंचाई है, इसको h से रिप्रेजेंट करेंगे, ये r है, ठीक है ना, क्षैतिज वेग, क्षैतिज परास है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो ये पैराबोला बनाता है। तो अगर पैराबोला बना रहा है तो आधा हो गया, इसलिए ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, आर का आधा और एच तो वही रहेगा, ये है वर्टेक्स, ठीक है ना, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, पैराबोला का शीर्ष ये रहा, ठीक है ना। अब एक बात और समझिए, क्षैतिज वेग कभी नहीं बदलता, क्यों, क्योंकि जी वहां पर जीरो होता है हमेशा, जब जी हमेशा जीरो होगा उस पर जी लग नहीं रहा है, तो जो यू कॉस अल्फा यहां बना है वो हर एक बिंदु पर यही रहेगा, हर बार यही रहेगा, ये कभी भी बदलेगा ही नहीं, कभी नहीं बदलेगा। अब बात आती है डियर इसमें कि ये तो हमने पूरी कहानी पढ़ ली कि प्रोजेक्टाइल है क्या, सभी चीजें इसमें क्या है, अब सभी को निकालना भी तो है यार, सभी को तो निकालना भी है ना हमें, कि ये क्या होता है, टाइम क्या है, सब चीज क्या है इसमें से, वो भी चीजें निकालनी। तो अब ये देखिए जरा, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि जैसे ही ये प्रोजेक्टाइल आप फेंकेंगे तो महत्तम ऊंचाई पर इसका ये वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो ही जाएगी भाई ऊपर तक, इसलिए नीचे गिरना शुरू हो जाएगा वो, वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की ओर चलने पर यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, केवल बचेगी कौन सी बचेगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हमें निकालना कितने फार्मूले हैं ये भी सुन लीजिए,
जब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वर्टिकल वाली, ठीक है ना, और फाइनल इनिशियल बचेगी, जितना टाइम इसको लगा है यहाँ पर पी तक पहुंचने में, उतना ही टाइम पी से ए तक आने में लगेगा। यानी हम पी तक का टाइम निकाल लें, दो गुना कर दें तो उड्डयन काल आ जाएगा। यानी जब तक हवा में रहा उसको हम कहेंगे उड्डयन काल, उसको हम कहेंगे उड्डयन काल, ठीक है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। जितनी दूरी ये कवर किया यहां से यहां तक उसको हम कहेंगे क्षैतिज परास, जितनी ऊंचाई तक ये गया है उसको हम कहेंगे महत्तम ऊंचाई। अब ये तीनों के फार्मूला हमें निकालना भी है और याद भी रखने हैं, और बाकी सब चीजें हमने बता दिया कि कहां पर क्या परिवर्तन होगा। तो फिर आते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट पर, बाई बी इक्वल टू यू माइनस जी टी, इस फार्मूले को लगा रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा कि जो मैं फार्मूला लिख दिया है मैंने, सब उसी से कमाल होता रहेगा, नया कुछ भी नहीं करना, पूरा पूरा उसी से। एक बात और जानकारी मैं दे रहा हूं, हमने आपको बताया भी था, डायनामिक्स और स्टैटिक्स दोनों ही दोनों मैकेनिक्स के पार्ट हैं, अभियांत्रिकी के पार्ट हैं, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है। तो वो सब नहीं आता है कि पूरा इतिहास आ जाएगा यार, इतना थोड़ा ना, वो तो इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है, एमएससी में फिजिक्स में पार्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो वो सब नहीं आना है। लेकिन जितना जो है एक बेसिक पार्ट है प्रोजेक्टाइल का, वो आना है, ठीक है ना। तो अगर हमने ऊपर की ओर बेग लिया तो ऊपर की ओर बेग पहुंचने पर यू जीरो हो जाएगा, वी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी वो भी ऊपर की ओर ले रहे हैं हम, ठीक है ना, ऊपर की ओर ही ले रहे हैं ना, कि कितने टाइम तक पहुंचा। तो हम तो केवल ऐसे देख रहे हैं बस कि कहां तक गया ये, तो यू साइन अल्फा इनिशियल वेलोसिटी है और माइनस जी टी है। तो फिर टी इक्वल टू आ गया यू साइन अल्फा अपान में जी, ये एक बार का समय है, केवल एच तक पहुंचने का समय। मतलब ये है क्या डियर, ये एक बार जो है एच तक के पहुंचने का समय है, ये यहां से आपने फेंका यहां तक, तो केवल यहां तक पहुंचाइए, यहां तक पहुंचने में, ठीक है ना, यहां तक पहुंचने में ही उसको मैं इसलिए जल्दी से बना देता हूं कि जिससे पूरा समझ जाए आप, यहां तक पहुंचने में उसको कितना लगा u साइन अल्फा अपान g सेकेंड, इतना लग गया ये। तो फिर इधर आने में फिर वही लगेगा u साइन अल्फा अपान g सेकेंड, ये लगेगा। इसका मतलब है कि यहां से वहां तक पहुंचने में, a तक पहुंचने में, o से a तक पहुंचने में जो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है ना, ये पहला नंबर है डियर, ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब उड्डयन काल, ये हो जाएगा इसका दो गुना, टी इक्वल टू टू यू साइन अल्फा और अपान में जी। इसको आपको हर बार अब याद भी रखना होगा, और कहीं अगर मिस कर जाते हैं तो जल्दी से डेरिवेट भी कर लीजिएगा उसे, ठीक है ना। लेकिन ये पहले वाली चीज आ गई, फर्स्ट नंबर वाली, जो आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक तो आप पहुंच गए, अब जो है ओ से ए तक पहुंचने में इतना समय लगा है, इतना समय लगा है, तो आप तो जानते हैं यार कि क्षैतिज दिशा में गति होती क्या है, बेग, कहने का मतलब है क्षैतिज दिशा में बेग इनटू समय कर दें तो दूरी आ जाएगी ना। दूरी का मतलब क्या होता है, समय गुणे चाल। तो फिर अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरा नंबर ये होगा हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। अब क्षैतिज परास में क्या है कि आपने पिंड को फेंका है, यहां से यहां तक पहुंचा वो ओरिजिन, इससे फेंका आपने, ठीक है ना, इधर गया, ए पर आया, तो ये डिस्टेंस है एक्स। अब एक्स क्या होगा, यू कॉस अल्फा इंटू टी,
यू कॉस अल्फा इंटू टी, भाई बेग गुणे समय ही तो होगा, तो क्षैतिज दिशा में बेग है और जितना समय लगा, तो फिर हम इसको आर लिखें या फिर एक्स लिखें। यू कॉस अल्फा इंटू टू यू साइन अल्फा अपान में जी, तो फिर आर इक्वल टू आ गया टू यू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपान में जी। ये बन गया डियर रेंज का फार्मूला, याद भी रखना है और निकालना भी हमने सिखा दिया कि आप चाहें तो एक सेकंड में, यानी कि 5 सेकंड 10 सेकंड में आप निकाल के आंसर यूज कर सकते हैं। अब यहीं से एक चीज और बनेगी, वो ये कि अगर हम आर मैक्सिमम की बात करें, अगर आर रेंज मैक्सिमम है, मैक्सिमम परास क्या होगा, साइन टू अल्फा की वैल्यू भाई 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो अगर ये 1 रख दें तो बचेगा यू स्क्वायर अपान जी। ये भी आपको याद रखना है, कब याद रखना है, कब हो रहा है ये, व्हेन साइन टू अल्फा इक्वल टू 1, तो फिर 2 अल्फा इक्वल टू कितना 90, तो अल्फा इक्वल टू 45। 45 डिग्री पर अगर आप फेंकते हैं तो मैक्सिमम रेंज हमेशा मिलेगा, यानी किसी भी पिंड को 45 डिग्री पर फेंका जाए क्षैतिज से तो 100% अधिकतम वेग और अधिकतम दूरी कवर कर लेगा वो। ठीक, तो ये तो हो गया डियर किसका फार्मूला, रेंज का भी, उड्डयन काल भी पढ़ा, क्षैतिज परास भी पढ़ लिया, महत्तम परास भी हो गया, ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज है ये। ये अब इसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पर, हर एक में मैं डायग्राम इसीलिए बना दे रहा हूं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपने फेंका यहां पर गिरा, ये ओ से फेंका ए पर गिरा, तो मैक्सिमम हाइट ये होगी। अब मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला लगाना है आपको, पी पर गिरा है ये हाइट है एम, फेंका है आपने यू बेग से, अल्फा ही है, सभी चीजें पता है। अब मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है, भाई मैक्सिमम हाइट निकालना है तो फिर आपको कौन सा फार्मूला लगाना होगा, भाई कौन सा, क्या इस फार्मूले से हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, इससे हो जाएगा, क्योंकि टी नहीं लगाना है, हमने आपको पहले भी बोल दिया है, सब चीजें मैं बोलता हूं, अगर आप वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ते हैं, देखते हैं पूरी क्लास को, तो सब चीजें हम बता देते हैं, पहले भी हमने कहा है कि जब टी की जरूरत ना हो, टी ना हो, एस निकालना हो तो इसका यूज करते हैं। अब श्योर है कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने में ये जीरो हो जाएगा, तो और ये वाला इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा माइनस टू जी एच, तो फिर एच की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान टू जी। ये हो गया डियर हाइट, ठीक है ना, ये हो गया हाइट, ये हाइट का डेरिवेशन है जो आप बड़े आराम से निकाल दिए आप, ठीक है ना, ये हाइट। अब ये मैक्सिमम हाइट कब होगी, मैक्सिमम हाइट कब होगी, ये मैक्सिमम हाइट तब होगी एच मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगी यू स्क्वायर अपॉन टू जी, और मैक्सिमम हाइट तभी जाएगा यार जब साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो 1 हो जाए, तो फिर अल्फा इक्वल टू 90 के अलावा और कुछ नहीं होगा, यानी सीधे ही फेंकना होगा हमें, तभी मैक्सिमम हाइट जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी, बस इस जगह वही केस है। तो ये तीन फार्मूले हो गए, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट, मतलब महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई।
ठीक है। अब महत्तम ऊंचाई का फार्मूला आपको याद रखना है, परास का भी, क्षैतिज परास का फार्मूला आपको याद रखना है, उड्डयन काल का, ये तीनों के तीनों याद रखना है। अब एक चीज और, जो अभी एक चीज और जानना है वो देखिए, वो क्या है, वो ये है कि जब आप किसी भी पिंड को फेंक रहे हैं और वो पिंड ऐसे गिरा करके, ठीक है ना, जब ऐसे गिरा इस तरीके से, यहां से यहां पर गिरा करके, और इसमें ये वेलोसिटी है, तो फिर आपको ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना कवर किया इसने एक्स डिस्टेंस, वो होगा यू कॉस अल्फा इंटू टी, ये हो गया ए तक पहुंचने में। तो वर्टिकल कितना कवर किया होगा, फिर वर्टिकल कितना कवर किया, वर्टिकल डिस्टेंस ये, इस दिशा में वेग आपको पता ही है कि यू साइन अल्फा है, इस दिशा में वेग आपको पता ही है कि यू कॉस अल्फा है, ठीक। अब ये वाली डिस्टेंस तो आपको मिल गई, ये वाली डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल कितना कवर किया इसने, यू कॉस अल्फा इंटू टी यानी वेग गुणे समय, इस दिशा में कितना कवर किया, तो कौन सा फार्मूला लगाया जाए, बाई एच इक्वल टू U साइन अल्फा यानी इनिशियल वेलोसिटी, यहीं से शुरू हुआ ये वाला वेग, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया, ये वर्टिकल डिस्टेंस होगी, ये इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है। अब अगर वर्टिकल डिस्टेंस को हम y मान लें, अगर इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम y लेट कर लें कि ये y डिस्टेंस चली, यानी वर्टिकल में y ही होता है ये, तो अगर हम इसको y मान लें तो y इक्वल टू u साइन अल्फा और इंटू t की वैल्यू रख देते हैं, तो t है कितना 2u साइन अल्फा अपान g, इसको उठाते हैं और यहां रख देते हैं 2u साइन अल्फा और अपान में g, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर वही कंडीशन यहां पर, लेकिन एक मिनट, यहां से नहीं, एक मिनट डियर, अभी आपको ये नहीं, एक मिनट इससे नहीं रखना है, इससे रखना है, इससे इससे टी की वैल्यू होगी एक्स अपान यू कॉस अल्फा, ये रखना है आपको, तो यू साइन अल्फा इंटू टी की जगह पर एक्स अपान यू कॉस अल्फा माइनस वन बाई टू जी और टी का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये रखना था। तो अब इसमें यू और यू कैंसिल हुआ, साइन अपान कॉस टेन आ गया, तो ये बन गया एक्स इंटू टेन अल्फा और इधर माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा। इसको कहते हैं पथ, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपैरिजन करा करके, कंपैरिजन करके इससे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पथ ऑफ प्रोजेक्शन या फिर ट्राजेक्टरी यानी प्रक्षेप पथ, क्या कहेंगे इसको, प्रक्षेप पथ। और इसका इक्वेशन जरूर आप याद रखें क्योंकि इससे क्वेश्चन बन के आता है और कंपेयर करके आंसर बड़ी जल्दी आ जाता है।
क्या निकल के आया, एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बन जाता है। अब एक बात और समझिए, इसमें थोड़ा सा और कुछ करते हैं, ठीक है ना, कलर बदल देता हूं जरा, बढ़िया दिखे अलग से। यहां से हम एक्स टेन अल्फा कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही एक्स टेन अल्फा कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा वन, एक्स यहां से हट जाएगा तो अकेला एक्स बचेगा। अब इस जी को अपान में ले आते हैं, एक्स टेन अल्फा को भी अपान में ले आते हैं, तो फिर कैसे, ये देखिए, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपान में जी को ले आए, इसको ऊपर था सबसे नीचे ले आए, मतलब वही है, और इनटू यहां पर हो जाएगा इसके साथ टेन अल्फा। तो टेन अल्फा में साइन अपान कॉस है तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपान जी बन जाएगा। ये इसका मतलब है कि एक्स बाई आर बन जाता है। ये आर का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है डियर, ये आर का मतलब है, आर का मतलब है क्षैतिज फराश, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज, वही है इसमें। तो ऐसे भी जब बनाने की जरूरत पड़ जाए कहीं, तो इस तरीके से आर बड़ी जल्दी आ जाएगा। आर निकालने के लिए कई क्वेश्चन पूछे गए इससे, तीन चार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये नीले और हरे से, नीले और हरे से तीन चार क्वेश्चन पूछे गए डियर, ठीक। तो क्या क्या चीजें पढ़ा आपने, सभी टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, प्रोजेक्शन, पथ, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, ये सभी चीजें पढ़ ली आपने। अब इसी के साथ एक चीज और पूछ लेता है, ये पूछ सकता है कि किसी भी पिंड को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, नीचे की ओर फेंकते हैं, तो एच हाइट पर, वो एच हाइट पर टी वन सेकेंड पर था, दोबारा वो टी टू सेकेंड पर था, उसी हाइट पर थी। इसी बात है कि जब आप किसी भी पिंड को फेंक रहे हैं ऊपर की ओर और फिर दोबारा वो नीचे की ओर आ रहा है, तो 100% इस हाइट की अगर हम बात करें, यहां शुरू हुआ, यहां पर वापस आया, यहां तक गया, तो अगर इस जगह मान के चलें कि यहां पर इस हाइट पर टी वन सेकेंड में था, तो दोबारा इसी हाइट पर टी वन में तो नहीं होगा, टी टू सेकेंड होगा, हाइट वही है, हाइट वही है। तो अगर कोई भी पिंड ऐसा है कि टी वन सेकेंड में जिस हाइट पर था, टी टू सेकेंड में उसी हाइट पर आ गया, तो फिर फार्मूला, इसको मैं नोट में लिखा रहा हूं, इससे क्वेश्चन बनते हैं कई, बाई, ये डायग्राम से आप समझ गए होंगे, या फिर मैं लिख देता हूं, इफ एनी बॉडी एट हाइट एच इन टी सेकेंड, टी वन सेकेंड एंड टी टू सेकेंड, देन क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी पिंड एच हाइट पर टी वन सेकेंड पर भी उसी हाइट पर था और टी टू सेकेंड पर भी उसी हाइट पर था, इसका मतलब है सेवर है ऊपर जाके नीचे आया होगा भाई, ऐसा तो नहीं होगा कि उसी पर टी वन पे था, हाइट बढ़ गई फिर भी वही है अभी हाइट, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब टू का मल्टीप्लाई करिए, टू एच टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। अब इक्वेशन बनाइए जरा, जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी प्लस टू एच इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से जरा देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो इसके रूट्स क्या होंगे, टी वन एंड टी टू, दो रूट्स होंगे। अब जब दो रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, टी वन प्लस टी टू माइनस बी अपान एच यानी टू यू अपान जी। अब इससे यू निकालने के लिए आपके पास आएगा तो ये हो जाएगा वन बाई टू जी
T1 प्लस T2 ये हो जाएगा, यानी एक आंसर ये आ जाएगा काम आपके। दूसरे पर आ जाइए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये होगा T1 T2 लास्ट 2H/G, सी अपान ए होता है ना, तो फिर यहां से हाइट आ जाएगी कि किस हाइट पर था वो, 1/2 G T1 × T2 ये आ जाएगा। इससे हाइट भी आएगी और वेग भी आ जाएगा। ये दो चीजें आपको इस नोट से मैंने दे दी, और इससे दो तीन बार क्वेश्चन पूछा गया है जो आपके सामने है, यानी इतना पढ़ लिया आपने तो वो क्वेश्चन अपने आप ही हो गए, चाहे जितना भी बदल करके कहे एग्जैक्टली हो गया। ठीक, तो ये चार पांच चीजें जो आपने पूरा पढ़ा, बाकी तो कई चीजें हमने बताया डिटेल से, निकालने का तरीका भी, कैसे कहां से आता है, क्या चीज बन जा रही है। अब इसमें से क्वेश्चन ढेरों पूछे जाएंगे, किसी में वेग पूछ रहा होगा, किसी में टाइम पूछ रहा होगा, किसी में रेंज पूछ रहा होगा, किसी में रिलेशन की बात कर रहा होगा कि अगर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट का बराबर है तब क्या होगा, दो गुना है तब क्या होगा, चार गुना है तब क्या होगा, तीन गुना है तब क्या होगा, ये सभी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास पर। लेकिन अभी पहले इसमें से पूरे कॉन्सेप्ट को पहले ढंग से आप समझ लीजिए कितनी चीजें। तो ये बात हमने आपको इसमें से पूरा बता दी कि जो है इसमें प्रोजेक्टाइल में कितनी चीजें हमें यूज करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्शन पथ। ठीक है ना, अब निकालने के लिए ये सब चीजें आ सकती हैं, प्रोजेक्शन एंगल भी निकालने के लिए आ सकता है, वेलोसिटी भी निकालने के लिए आ सकती है, लेकिन जो रिलेशन होगा इन्हीं के अंदर घूमता रहेगा। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वो यूज होते ही रहेंगे, उनकी जरूरत पड़नी ही पड़नी है। अब थोड़ा सा आते हैं जो और मैंने अभी लिख के रखा है उसको भी समझ लीजिए, वही चीज है यहाँ पर, ये हम लिखा चुके हैं आपको, है ना, लिखा चुके हैं। अब यहाँ पर है आपके पास ये, अब यहाँ पर ये वर्टेक्स दिया हुआ है, ये वर्टेक्स वही है जो मैंने आपको अभी बताया, वर्टेक्स मैंने लिखाया है आपको कि R/2, H है। ये देखिए दोनों फार्मूले लिखे हैं, ये है R का फार्मूला और ये है H का, तो ये H का तो ठीक है, ये बाई टू हो गया है R/2। अब इसकी जरूरत तो नहीं है फिलहाल, है ना, मैंने लिख दिया है कि अगर बाई चांस पूछ लिया कोई चीज, क्योंकि पैराबोला बनाता है तो हो सकता है कि पूछ ले कि फोकस क्या होगा, कोऑर्डिनेट फोकस के क्या होंगे नाभि के, तो इसलिए फोकस पूछे तो आप बता देंगे, वर्टेक्स पूछे तब आप बता देंगे, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन ये रहा। ठीक है ना, इसके बाद अगर डायरेक्ट्रिक्स पूछे तो आप ये बता देंगे, U²/2G। लेटस रेक्टम पूछे नाभि लंब तो आप ये बता देंगे, ठीक है ना, ठीक, इसके बाद, ठीक है ना, ये चीज यहां पर आ गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी स्क्वायर, इसके साथ ये पूरा पार्ट है ये वाला, इसके साथ आगे चल करके, ठीक है ना, ये बात को आपको ध्यान रखना है, इसकी जरूरत अगर कभी पड़ जाती है तो एक बार पढ़ के रखे रहिएगा, याद रखे रहिएगा, हो सकता है फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ जाए आपको, एग्जाम में आ ही जाए तो पढ़े रहेंगे तो अच्छा भी रहेगा। और हम ये भी बता देते हैं कि कैसे निकालते भी हैं, ये भी चीजें आपको। इसके बाद ये हम आपको बता चुके कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, डेरिवेशन ही पूरा हो चुका, मैक्सिमम रेंज क्या है बता चुके आपको, ठीक है ना, क्या है इसमें, ठीक है ना, हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट या मैक्सिमम हाइट क्या है ये हम आपको बता चुके, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हम आपको बता चुके क्या है, किस एंगल पर होगा वो बता चुके, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये वाई का जो वैल्यू है वो हमने आपको बताया अभी अभी, एक्स की जो वैल्यू है हमने वो बताया, प्रोजेक्ट कैसे निकालते हैं इससे ये हम आपको बता चुके कि टी की जगह पर रख देंगे U cos alpha रख देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब dx/dt इक्वल टू क्या है, U cos alpha है। तो उसी तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं, dy/dt को भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, dx/dt का मतलब वेग है, तो उसी तरीके से अगर dy/dt आप निकालना चाहते हैं तो dy/dt का मतलब है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये होगा U sin alpha,
यू साइन अल्फा, ये भी दोनों बातें याद रखेंगे आप इसमें से, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट हाइट पर पहुंचने पर जो समय लगता है, आधा समय लगता है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद ये देखिए डी वाई डी एक्स, ये वैल्यू निकाली गई है, टी इक्वल टू जीरो कर देंगे इसमें एट टी, तो डी वाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास यू साइन अल्फा, टी वन हो जाएगा, ये इन्होंने लिखा हुआ है वन बाई टू, तो ये इतना बचता है, तो टी इक्वल टू जीरो में तो यू करिए ये बन जाता है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ टाइम टी। अगर कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो रिजल्टेंट का फार्मूला ये रहा सामने, ठीक है ना। अभी इसमें से बहुत सारी चीजें आगे हैं, मतलब अब फार्मूलों पर नहीं, अब केवल क्वेश्चन पर डिपेंड हो जाएगा कि अगर बेग दिया है तो ऊंचाई ज्ञात करना, दी हुई ऊंचाई पर बेग ज्ञात करना, ठीक है ना, टाइम ज्ञात करना, तो वो सब लगना फिर इन्हीं फार्मूलों से है, ठीक। इसके बाद एक चीज ये डियर बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, नोट, इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको जरूर याद रखें, ठीक। क्वेश्चन में ये है कि जैसे आपने इस बेग से फेंका है, आपने इसको जैसे आपने किसी भी पिंड को आपने फेंक दिया इसे, ठीक। अब पिंड इस दिशा से मूव कर रहा है, इससे गया था ये, इस दिशा से जा रहा था ये, ऐसे गया यू बेग से, ठीक है ना, ओरिजिन से अल्फा यहां से यहां पर गिरना है। अब ये पिंड धीरे 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 मूव करता चला जा रहा है, मूव करता गया, यहां आया यहां आया यहां आया यहां आया यहां, ऐसे चला जा रहा है। कुछ समय बाद ये ऐसे जगह पर आ गया, ऐसी जगह पर आ गया है कि जहां से इस डायरेक्शन से 90 डिग्री बना रहा है, इस जगह से क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये जो है इस जगह पर आ गया, इस जगह पर पहुंच गया जहां पर बी पॉइंट है ये। अब ये इस दिशा से 90 डिग्री पर बना रहा है, तो फिर यहां से यहां तक पहुंचने का समय टी कितना होगा, वो होगा यू कॉसेक अल्फा अपान जी। बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इसकी बहुत जरूरत है, क्वेश्चन में पूछेगा कि कितने समय बाद वही पिंड, यानी ऐसा जा रहा था तो दिशा तो ये थी, कुछ समय बाद घूम गया ये तो दिशा बदल गई, तो जो उसकी जो स्पर्श रेखा है, उसकी टेंजेंट है, जिस पॉइंट पर है वो टेंजेंट जब आप ड्रा करेंगे तो 90 डिग्री बना रही होगी यहां से, तो किस जगह पर होगा वो, कितना समय लगा यहां से वहां तक जाने में, ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा डेरिवेशन भी हमने यहां पर सब लिख दिया है इसमें से, क्यों, ये वेलोसिटी कितनी होगी यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कितनी होगी यू साइन थीटा, यहां से जो है थीटा एंगल बनाते हुए खींच फेंक दिया गया ये, ठीक है। अब इसके बाद इस पॉइंट पर आया तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बी साइन थीटा, क्योंकि मान लिया कि बी वेग से चल रहा है, अब हमने मान लिया कि बी वेग से चल रहा है, इस दिशा में ऐसे चल रहा है, सीधे सीधे नहीं जाएगा वो, लेकिन माना सीधे ही जाता है, तो फिर हॉरिजॉन्टल दिशा से यानी वर्टिकल से थीटा बना रहा है, तो बी कॉस थीटा हो गया इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी साइन थीटा हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा हुआ है, मैंने पूरा आपको समझा दिया ये, ठीक है, और फार्मूला ये सामने है आपके, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, डेरिवेशन भी पूरी दी हुई है, ठीक है ना डियर। एक बात तो ये हो गई, अब इसके बाद ये है अगला नोट, एक और अगला नोट ये है कि अगर कोई भी दो प्रोजेक्टाइल एक फेंका गया है एंगल अल्फा पर, सपोज करिए, ठीक है ना, दूसरा फेंका गया है एंगल बीटा पर, ठीक है ना, थोड़ा सा डायरेक्शन में और हल्की कर देता हूं जरा, ये हो गया ऐसे फेंका गया ये, ठीक है ना, ये,
और दूसरा दूसरा जो है कलर बदल देता हूं मैं इसका, दूसरा ऐसे फेंका गया। अरे यार ब्लैक ही आ रहा है, चलिए बना रहने दीजिए। अब इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये डायरेक्शन है इसका, और इसका डायरेक्शन ये है, ये दोनों डायरेक्शंस अलग अलग हैं, ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन अलग अलग हैं। इससे फेंका गया वो से, लेकिन दोनों ए पर ही गिरे हैं। ये भी यू बेग से फेंका गया, ये भी यू बेग से फेंका गया, ये एंगल अल्फा पर फेंका गया और ये एंगल बीटा पर फेंका गया। तो यहां पर क्या लिखना है आपको, इफ टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन बाय सेम वेलोसिटी u at angles alpha and beta, but alpha plus beta equal to 90, then range of both will be same। ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट भी बहुत काम का है। अगर कोई भी दो पिंड एक ही बेग से, कोई भी दो पिंड एक ही बेग से, एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फेंके जाते हैं, लेकिन वो दोनों दिशाओं का, दोनों एंगल का सम 90 हो जाए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों, तो फिर उनका रेंज बराबर ही आएगा, यानी दोनों एक ही स्थान पर गिरेंगे वो। ठीक है डियर, तो प्रोजेक्टाइल का हमने पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको बता दिया पहले लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम केवल क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, ठीक है डियर। दो लेक्चर में आपका पूरा प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लास तरीके से हो जाएगा, जिस तरीके से स्टैटिक्स के हमने तीन लेक्चर आप लोगों को दिए हैं, वो तीनों लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको वो मिल जा रहा है, और दो लेक्चर में ये भी जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। हमने याद करने का तरीका, रटने का तरीका, समझने का तरीका, क्वेश्चन करने का तरीका, वो सभी कुछ बता दिया है इस वीडियो में भी। ठीक है डियर, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।